नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्म कर्म करने वाला था, पूजा पाठ करने वाला था और वह रोज पीपल को जल से सींचता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक बार माँ लक्ष्मी लड़की का रूप धारण करके पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई और बोली, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। उस ब्राह्मण के पहले से ही 6 लड़कियां थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और वापस आ गया। उसके साथ ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण बोला कि मैं रोज पीपल में जब जल चढ़ाने जाता हूँ, तब उसमें से रोज एक लड़की निकल कर आती है और कहती है, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। तो ब्राह्मणी बोली, इसमें चिंता की क्या बात है? जहां हमारे 6 लड़कियां हैं, 7वीं और सही, और वह भी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी। आप उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन भी उस ब्राह्मण के साथ वैसा ही हुआ। वह ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से ब्राह्मण के दिन बदलने लगे। ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। जहां रोज उसे 1-2 कटोरी आटा मिलता था, उस दिन उसे थैला भरकर आटा मिला। जब ब्राह्मण घर आया, फिर ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी तो उस लड़की ने कहा, माँ, आज भोजन मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा। पर वह बच्ची नहीं मानी। उस बच्ची ने आटा छाना तो परात भर गई। वो जिस चीज को हाथ लगाती वह बढ़ती जाती। उसने तो कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई आया। वह बोला, बहन, भूख लगी है, भोजन करूंगा। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई कि सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी। ब्राह्मणी को उदास देखकर लड़की बोली, माँ, क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली, बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। तो लड़की बोली, माँ, तुम उदास मत हो, वह तो माँ लक्ष्मी थी। क्या ऐसा हो सकता है जहाँ माँ लक्ष्मी हो वहाँ कुछ भी खाने को ना हो? वह लड़की रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उसके मामा भी भोजन करके बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर जब शाम हुई तो वह बच्ची ब्राह्मणी से बोली कि माँ, यहाँ दिया जलाकर रख दो, मैं आज यही कोठरी में सोऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा, बेटी, तू बहुत छोटी है, रात को तू डर जाएगी। बच्ची बोली, नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी। और वह जिद करके कोठरी में ही सो गई। अब आधी रात को लड़की के रूप में आई माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी और वहाँ अन्न और धन के भंडार भर गए और वह बच्ची फिर वहाँ से जाने लगी। जब वह बाहर निकली तब उसने ब्राह्मण को सोते हुए देखा। उसे जाता देख ब्राह्मण की आंखें खुल गई। वह बोला, बेटी, तू कहाँ जा रही है? लड़की ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ आई थी। मैं तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण अपनी किस्मत पे हैरान था। सुबह ब्राह्मणी ने उठकर देखा
तो सब देखकर हैरान रह गई और लड़की को ढूंढने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सारी बात बताई। हे लक्ष्मी माँ, जैसा उस ब्राह्मण की तकलीफें दूर करी, ऐसे सबकी करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि घर में आने वाला हर व्यक्ति अपना भाग्य साथ लेकर आता है, और क्या पता आने वाले व्यक्ति का भाग्य इतना प्रबल हो कि उसके भाग्य से हमारा भाग्य भी चमक जाए। इसलिए दोस्तों, घर में आने वाले अतिथियों का स्वागत हमेशा मुस्कुराहट से ही करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी।